W.B. Yeats ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट फिलिंग ऑफ अ पेल बट लाइटिंग ऑफ अ फायर। एजुकेशन, किसी भी देश की एजुकेशन जो है वो उसका अपना एक नियम होती है, अपना एक चरित्र होता है, अपना एक व्यवहार होता है। वहाँ की एजुकेशन देश को, किसी देश की एजुकेशन जो है उसकी शिक्षा नीति पे डिपेंड करती है। वहाँ की शिक्षा नीति किस तरह की है वो वहाँ का फ्यूचर बनाती है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। हम बात करेंगे अपने देश की। देश को एक नई शिक्षा नीति मिल चुकी है 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट में इसको अप्रूवल मिला है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। क्या है खास, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। देश में तीसरी बार कोई शिक्षा नीति लाई गई है। इससे पहले 1986 में दूसरी बार और 1968 में पहली बार एक कोई शिक्षा नीति देश में लागू की गई थी। इस बार जो शिक्षा नीति लाई गई है इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। हालात के मुताबिक, वक्त के अनुसार चीज़ें बदलती रहती हैं, तो शिक्षा नीति में बदलाव भी बहुत ज़रूरी होता है। तो बात करेंगे सबसे मेजर बदलाव इस टाइम क्या है। 10+2 पैटर्न जो है उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, यानी कि स्कूली शिक्षा थी जो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है, और उसके जगह एक नया पैटर्न इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे हम बोलेंगे 5+3+3+4। इट मीन्स के 15 साल की स्कूली एजुकेशन हो गई है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको 12वीं करने में आपको 15 साल लगेंगे। इसमें ऐसा है कि अब जो आपका प्री स्कूल, जिसे प्री नर्सरी या नर्सरी कहते थे, उसको भी ऑन रिकॉर्ड साथ में गिना जा रहा है। अब भी बच्चा फर्स्ट में जब जाएगा वो 6 साल का ही होगा, लेकिन उससे पहले जो उसने 3 साल नर्सरीज में, आंगनवाड़ीज में या बाल वाटिका जिसे कहते थे वहाँ पे लगाते थे, वो ऑन रिकॉर्ड साथ में गिना जा रहा है। उसको मेंटेन करने के लिए अपने पेरेंट्स के लिए भी गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं, और टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस पहले 3 जो इसको बोला गया है फाउंडेशनल ईयर्स बोला जा रहा है, इसको जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं 3 से 8 साल तक जो फाउंडेशनल ईयर्स हैं, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई बर्डन नहीं होगा बच्चे पे, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात इस पॉलिसी की मुझे ये लगी, क्योंकि जब आप पे परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं होता है तो आप अल्टीमेटली लर्निंग में थोड़ा सा ज़्यादा इक्विप्ड हो जाते हैं। तो इन दैट केस मैं ये कहूँगा कि ये पॉलिसी का ये वाला बदलाव सबसे बेहतरीन इसका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। इसके साथ ही 10+2 पैटर्न जब डिसकंटिन्यू होता है तो नया बदलाव और क्या है, जब इसमें 5+3+3+4 का प्रावधान है उसमें वोकेशनल एजुकेशन को भी प्रमोट किया जा रहा है। वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने का मतलब यह है कि इसमें जब 5th के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है, प्रिपेरेटरी, जो मिडिल स्कूलिंग जैसे कहते हैं, मिडिल स्टेज आती है, उसमें क्या किया गया है कि मिडिल स्कूल जब शुरू होगा वहाँ पे 10 डेज बैगलेस पीरियड साथ में बताया गया है। 10 डेज बैगलेस पीरियड मीन्स स्टूडेंट्स डोंट हैव टू कैरी देयर बैग्स विद देयर सेल्फ। 10 डेज उनको एज अ इंटर्न विद किसी लोकल कारपेंटर के पास, गार्डनर के पास, लोकल आर्टिस्ट के पास लगा के वो अपने 10 दिन वहाँ पे अपने मन मर्जी के सब्जेक्ट में वो वहाँ पे जाके महारत हासिल कर सकता है। वो भी प्रैक्टिकली लर्न करेगा और उसका चॉइस ऑफ सब्जेक्ट होगा। इसके अलावा फॉरेन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन है इसमें। फॉरेन लैंग्वेज जो है वो 10th के बाद 9th ऑनवर्ड्स जो है, 9th के बाद 10th, देन 11th एंड 12th, यहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज सीखने का भी प्रावधान है। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। फिर इसमें सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है, जो एक डिमार्केशन थी स्ट्रीम्स की, उसको तोड़ दिया गया है कि ये मेडिकल है, ये नॉन मेडिकल है, या कुछ है। अब आप मैथमेटिक्स के साथ संस्कृत पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हैं, अब फिजिक्स के साथ म्यूज़िक लेना चाहो तो ले सकेंगे। ऑन पेपर्स ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन
इम्प्लीमेंटेशन जब होगी, आई होप के जैसा ऑन पेपर है वैसी इम्प्लीमेंटेशन हो, तो एक काफ़ी यूज़फुल पॉलिसी जो है देश के लिए, जो उसकी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी थी, रिक्वायरमेंट थी इस टाइम पे, नीड ऑफ द आवर दी। तो मैं यही कहूँगा ये पॉलिसी जो है काइंड ऑफ एक नई जनरेशन के लिए नया वेंचर है। आई विश कि हमारे टाइम भी ऐसी कोई पॉलिसी होती कि हमारे टाइम पे जैसे आपको थर्ड में जाके फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम फेस करना पड़ेगा, देन वी हैव, जब इसमें अब जब पूरी व्यवस्था को बदला गया है तो टीचर्स को भी बदलना पड़ेगा। तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए नए नए आयाम आएंगे, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अब इनिशियल स्टेज में जब आप जिसे हम फाउंडेशनल स्टेज कह रहे हैं, फाउंडेशनल स्टेज में हमें आंगनवाड़ी वर्कर्स को लिए स्पेशल ट्रेनिंग अरेंज की गई है यहाँ पे, जो इस ये 66 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है उसमें मेंशन किया गया है कि हमें जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ऑनलाइन ट्रेन करना है ताकि वो इस नई पॉलिसी के अकॉर्डिंगली पढ़ा सकें, इसके अकॉर्डिंगली चल सकें। तो ये पॉलिसी इस हिसाब से काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाली है। हम मिडिल स्कूलिंग कहेंगे वहाँ तक एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जोड़ी गई है, मे बी वो कंट्रोवर्शियल हो सकती है, कि आपकी लोकल लैंग्वेज, आपकी मदर टंग जो है वो ही आपका मीडियम इंस्ट्रक्शन रहेगी। अब जहाँ पे इंग्लिश लर्निंग की और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की यहाँ पे बात होती है, तो इन दैट केस आप लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये किस तरह से ऑन कार्ड रहेगी, ये 9 to 12 का जो मोड रहेगा, जैसे सेकेंडरी क्लासेस जो होती हैं उसमें जैसे बताया गया कि फॉरेन लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन होगा, तो उसके लिए फैकल्टी की दिक्कत आ सकती है, उसके लिए कहीं भी कैसे वो प्रोवाइड किया जाएगा ये इस पॉलिसी में कहीं भी नहीं बताया गया है। आई होप कि उसके लिए भी कुछ नई गाइडलाइंस आएंगी तो जाके शायद ये कंप्लीट हो सकेगी। हायर एजुकेशन में यहाँ जहाँ तक सवाल है, हायर एजुकेशन में यहाँ पे जैसे मेजर सी बात है, एमफिल ख़त्म कर दिया गया है, एमफिल अब ख़त्म हो चुका है। यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एनटीए के थ्रू ही होगा, वो तो एज पर गाइडलाइन रहेगा जैसे पहले एनटीए उसको हैंडल कर रहा था। फिर हमारे पास आता है ग्रेजुएशन किस तरह की रहेगी। ग्रेजुएशन में एक बहुत मेजर चेंज ये किया गया, तो अगर आपने एक साल बाद आप किसी कारणवश पढ़ाई छूट जाती है तो इन दैट केस आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, आपके लिए वहाँ पे एक ABC करके बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो है वहाँ पे एक बैंक ऑफ क्रेडिट्स वहाँ पे जैसे ABC नाम से वहाँ पे बताया जा रहा है, उसको एस्टेब्लिश किया जाएगा, वो डिजिटल लाइब्रेरी की काइंड ऑफ, जहाँ पे आपके क्रेडिट्स वहाँ पे स्टोर रहेंगे। तो आपके क्रेडिट्स वहाँ पे स्टोर रहेंगे किस लिए, क्योंकि अगर आपने बीच में कहीं पढ़ाई छोड़ दी और दोबारा कभी शुरू भी करना चाहोगे तो आपका क्रेडिट पीछे के जो है वो डिजिटल लाइब्रेरी में स्टोर हैं, तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकेंगे। फिर अगर आप एक साल बाद छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स माना जाएगा, 2 साल बाद छोड़ते हो डिप्लोमा कोर्स, और 3 साल बाद डिग्री कोर्स। अब ग्रेजुएशन में चेंजेस और ये हैं कि इसको ग्रेजुएशन जो है वो 3 ईयर और 4 ईयर्स के, ये 3 ईयर्स का भी और 4 ईयर्स का भी। 3 ईयर्स ग्रेजुएशन सिंपली ग्रेजुएशन होगी और 4 ईयर्स में ये रिसर्च बेस्ड रहेगी। इसमें जैसे ऑनर्स वगैरह करते थे, BA ऑनर्स वगैरह करते थे, उसमें आपको स्पेशलाइजेशन होगी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। प्लस ग्रेजुएशन में भी जो मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी को प्रमोट किया गया है, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडीज़ में रहेगी, इसमें स्ट्रीम का कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा कि ये कौन सी स्ट्रीम है। जैसे मैंने पहले बताया कि आप मैथ के साथ संस्कृत लेना चाहो, फिजिक्स के साथ म्यूज़िक लेना चाहो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड रहेगा। अगर आप फिज़िकल एजुकेशन के साथ कोई आर्ट का कुछ सपोज करिए, आप म्यूज़िक में आपको इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, या इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, तो आप उसको भी चूज़ कर सकते हैं। देन देर इज़ जैसे मैंने पहले बताया PID जो है उसके लिए आप डायरेक्टली आप PG की बात कर सकेंगे। तो उससे हम PG की बात कर लेते हैं। अगर आपने 4 ईयर ग्रेजुएशन की है तो आपको PG में सिर्फ 1 साल लगेगा।
सेम सब्जेक्ट में आगे आप कैरियर करते हैं तो आपको पीजी में सिर्फ एक साल लगेगा, और इन केस आपने 3 ईयर ग्रेजुएशन की है तो इन दैट केस आपको 2 ईयर प्रोग्राम रहेगा, और 2 ईयर जो मास्टर प्रोग्राम में आपके 2 साल होंगे उसमें जो सेकंड ईयर होगा वो टोटली रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा। बीएड पे भी सेम है, बीएड जो है वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड भी है और 2 ईयर भी है, 1 ईयर भी है। हम बात करते हैं 4 ईयर इंटीग्रेटेड कैसे रहेगी। 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो है वो 4 साल की आपकी कंप्लीट, जैसे आपने बीएससी करनी थी तो आप सीधे बीएससी प्लस बीएड करेंगे, देन आपके पास 3 ईयर 2 ईयर जो है वो जो नॉर्मली जैसे पैसे पहले चल रही है, जैसे पहले हो रहा है वैसे ही नॉर्मली जो चल रही है वैसी जो बीएड रहेगी वो 2 साल की रहेगी। लेकिन 1 साल वाली बीएड वो होगी जिसमें आपने सपोज करो आपने बीए की है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट एजुकेशन में कर ली है तो आपको 1 साल का में आपकी जैसे लेटर इंट्री होती है वैसे करके आपकी ग्रेजुएशन बीएड जो है वो 1 साल की भी एक ऑप्शन रहेगा। अब आप पीजी करने के बाद सीधे पीएचडी भी कर सकेंगे, ये एक ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल है। अब जैसे मैंने पहले बताया कि एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, सीधे आप पीएचडी कर सकेंगे, उसके लिए आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ेगा और आप सीधे वो अपने पीएचडी के लिए एनरोल हो जाएंगे। जहाँ तक सवाल है प्रोफेशनल एजुकेशन का, तो इसमें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा, उनको एंडोर्स किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर बेस्ड स्टडीज़ को भी एंडोर्स किया जा सके। देन लीगल सर्विसेज की बात करें तो उनको भी वर्ल्ड क्लास सर्विसेज बनाने की एक इसमें कवायद एक दावा किया गया है इस नई पॉलिसी में, तो इसमें भी लीगल सर्विस को वर्ल्ड क्लास, और उसमें एक लाइन डाली हुई उन्होंने, एक लाइन में लिखा हुआ है कि एक जल्दी से जल्दी जस्टिस को डिलीवर करने के लिए इस पॉलिसी को, इस लीगल सर्विसेज को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा और स्टडीज़ को और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जहाँ तक हेल्थ एजुकेशन का सवाल है, हेल्थ केयर और एजुकेशन सवाल है, वहाँ पे एक और जो चीज़ मेंशन की गई है कि अगर आप सपोज करो एलोपैथिक स्टडीज़ में हैं तो आपके लिए योगा की बेसिक जो नॉलेज है, बेसिक नॉलेज ऑफ आयुष, बेसिक नॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन, और इन सब के लिए आपके लिए ये होना बहुत अनिवार्य है। और एज वेल अगर आप आयुष के लिए, अगर आयुर्वेदा में आप कर रहे हैं तो आपके लिए एलोपैथी की और योगा की और इन सब चीज़ों की नॉलेज होना भी ज़रूरी है। दैट मीन्स मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी को प्रमोट किया जाएगा नई पॉलिसी में। इसमें ये नहीं है कि आप एलोपैथी के डॉक्टर हैं तो यू डोंट हैव नॉलेज अबाउट आयुर्वेदा, एंड इन सेम केस वाइस वर्सा, अगर आपको आप आयुर्वेदा के हैं तो आप एलोपैथी की नॉलेज आपको ना हो, योगा की नॉलेज ना हो, ये भी इसमें रखा गया है। फिर हम बात करेंगे जितने भी ये नाम आप सुनते थे पहले, डीम्ड यूनिवर्सिटी, एफिलिएटेड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये सारे नाम ख़त्म हो जाएंगे, एक सेट नॉर्म होगा, सिर्फ एक ही नाम बचेगा, वो होगा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के लिए क्राइटेरिया सेट किया जाएगा और उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली आपको अगर जो क्राइटेरिया फुलफ़िल करेंगे वही इंस्टीट्यूट बचेंगे, इन पे भी गाज गिर सकती है जो नई पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। नई पॉलिसी के तहत 6% ऑफ GDP जो है वो एजुकेशन के बजट पे जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा हर साल। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ जो हमारी जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसको फ्रेम करने वाली 2 कमेटी थी, एक कमेटी जो 2016 में बनी थी और उसके बाद एक कमेटी जो 2017 में बनी थी। 2016 में जो कमेटी बनी थी, कमेटी फॉर एवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये अंडर द लीडरशिप ऑफ चेयरमैनशिप ऑफ TSR सुब्रमण्यम की हुई थी और इसको उन्होंने जाके सबमिट कर दिया था अपने मिनिस्ट्री ऑफ MHRD में जाके। फिर हमारे पास जो नई कमेटी फ्रेम की थी वो की गई थी जो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं हमारे कस्तूरी रंगन, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनकी चेयरमैनशिप में 2017 में एक नई कमेटी फ्रेम की गई। वो इसलिए की गई थी ड्राफ्टिंग ऑफ NEP, यानी उसको ड्राफ्ट करना था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को, तो उसके जो हेड थे वो एमिनेंट साइंटिस्ट हैं हमारे इसरो के, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, उनकी अध्यक्षता में, उनकी चेयरमैनशिप में ये वाली पॉलिसी जो है उसको फ्रेम किया गया और उन्हें सबमिट की और अब जाके
2020 में इसको अप्रूवल मिला है। तो मेन मोटिव क्या है? प्ले वे लर्निंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, लॉजिकल लर्निंग और एक जैसे हम कहेंगे कि डिस्टेंट लर्निंग जो है उसको प्रमोट किया जाएगा, वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया जाएगा, ताकि वोकेशनल, एक बात इन्होंने और भी मेंशन की हुई है कि वोकेशनल कोर्सेज को उतनी ड्यू रिस्पेक्ट नहीं मिलती जितनी की मिलनी चाहिए, जितनी एकेडमिक कोर्सेज को मिलती है। तो उस चीज़ को भी नज़र में रखते हुए वोकेशनल कोर्सेज पे काम किया गया है, ताकि जो वोकेशनल कोर्सेज हैं उनको भी इक्वल पॉपुलरिटी मिले जितनी की हमारे बाकी कोर्सेज को मिली है। एक बार हम नटशेल में एजुकेशन पॉलिसी को आपके सामने लाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे जो मेजर चेंज हुआ वो है 10+2 पैटर्न को डिसकंटिन्यू करके उसकी जगह जो नई पैटर्न लाएगी दैट इज़ 5+3+3+4। उसके बाद उसको जो 5+3+3 इसको 4 स्टेजेस के अलग अलग नाम दिए गए। सबसे पहले आगे हमारी फाउंडेशनल स्टेज, देन वी हैव प्रिपरेटरी स्टेज, देन मिडिल एंड देन सेकेंडरी स्टेज। फिर इसके बाद MHRD का जो नाम है अब वो बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। अब आगे जो नाम प्रचलित होगा वो होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री, MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, इसका नाम बदल दिया गया है। तो अब जो नया इसका नाम होगा वो होगा एजुकेशन मिनिस्ट्री। ये इसमें नया बदलाव जो ऐड हुआ है। फिर हम बात करेंगे आंगनवाड़ी वर्कर को भी एक और जो टीचर्स हैं उनको इस तरह से ट्रेन किया जाएगा ताकि वो नई एजुकेशन पॉलिसीज की जितनी गाइडलाइंस हैं इनके अकॉर्डिंगली वो उसमें समा जाएं पूरी तरह से। तो उसके लिए उनको नई ट्रेनिंग्स और उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाएगा। और होलिस्टिक लर्निंग को जैसे हम बात करेंगे चौथे नंबर पर बता रहा हूँ आपको, उसको प्रमोट किया जाएगा, होलिस्टिक लर्निंग और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। और इसके लिए क्या है कि जो करिकुलम है उसको काफ़ी रिड्यूस कर दिया जाएगा, बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया जाएगा। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए साथ ही साथ क्या है कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, थर्ड तक कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, प्ले वे मैथड को अपनाया जाएगा। एक तो प्रेशर फ्री इन्वायरमेंट में जो बच्चा है वो लर्न करेगा। अब जो मदर टंग है वो बेसिक जो है रहेगी, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सब के लिए, किसके लिए? प्रिपरेटरी स्टेज तक, और इसको 8th स्टैंडर्ड तक जिसे आप मिडिल स्टेज कहें वहाँ तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। फिर एक और नया फार्मूला है, 3-लैंग्वेज फार्मूला इसको अपनाया जा रहा है। 3-लैंग्वेज फार्मूला में ये है कि 3 लैंग्वेज, आपकी लोकल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और जो कोर्स की लैंग्वेज हैं वो हैं इम्पॉर्टेंट रहेंगी आपकी स्टडी के लिए और वही अपनाई जाएंगी। और साथ ही साथ आप पे कोई भी लैंग्वेज जो है थोपी नहीं जाएगी। एक फार्मूला है 3-लैंग्वेज फार्मूला। संस्कृत जो है वो अवेलेबल रहेगी एज अ सब्जेक्ट एट ऑल लेवल्स, वो सारे जगह पे अवेलेबल होगी, आप कहीं भी इसको एज अ चॉइस ले सकते हैं। 4 लैंग्वेजेस की बात हो रही है यहाँ पे, कोरियन, जापनीज, थाई, फ्रेंच एक्सेट्रा जो हैं ये सब आप सेकेंडरी लेवल पे जाके चूज़ कर सकते हैं। ये एक अच्छा इंक्लूजन है, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बात की थी इस तरह के फैकल्टी को अवेलेबल कराना भी एक चैलेंज रहेगा नई एजुकेशन पॉलिसी के लिए। अब इंडियन साइन लैंग्वेज है, अब बात करें जब स्टडी हो रही है सबके लिए हो रही है, वहाँ पे दिव्यांग हैं जो जो सुन नहीं सकते हैं देख नहीं सकते, उनके लिए भी कुछ स्पेशल फीचर बीच में होना चाहिए था। तो दिव्यांग के लिए जैसे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए उनके लिए इंडियन साइन लैंग्वेज जो है वो स्टैंडर्डाइज कर दी जाएगी फॉर होल ऑफ द कंट्री। फिर जो एग्ज़ाम्स अभी तक जो हो रहे थे नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो पहले एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें क्या हो रहा है कि वो कोचिंग सेंटर जो कल्चर है उसको प्रमोट कर रहे हैं। फिक्स एग्ज़ाम्स हैं, स्ट्रीम्स हैं, फिक्स्ड हैं, उनको अच्छे से वो क्रैम करवाते हैं बच्चों को, तो एक पैसा ऐंठने का तरीका बनाया हुआ है। तो उस चीज़ को कोप करने के लिए जो नई पॉलिसी में ये चीज़ की गई है कि बोर्ड एग्ज़ाम्स तो रहेंगे पर उसकी अप्रोच जो होलिस्टिक रहेगी, थोड़ा वाइडर स्कोप की रहेगी, उस हिसाब से किया जाएगा। और एक जो और इन्होंने बड़ी बात की है इसमें, वो बेस्ट ऑफ 2 अटैम्प्ट जो अपॉर्चुनिटी रखी गई है सेकेंडरी लेवल पर, आप 2 बार एग्ज़ाम्स दीजिए, आपको जो आपका बेस्ट होगा उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ये तो एक तो प्रेशर कम करेगा और साथ ही साथ कोचिंग सेंटर जो कल्चर है उसको डिप्रेस करेगा, थोड़ा सुप्रेस करेगा। अब यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स विल बी सेम, NTA विल कंडक्ट देम। NTA उनको ही कंडक्ट पहले भी कर रहा था तो वही कंडक्ट करेगा, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडर्ड्स जो हैं इसके थोड़े और अपलिफ्ट कर दिए जाएंगे जैसे कि इस पॉलिसी में मेंशन किया गया है।
अब जो बीएड प्रोग्राम्स हैं उनको एक स्पेशल प्रोग्राम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किए जा रहे हैं ताकि टीचर्स को जो है कि वेल ट्रेन किया जाए। और एक और चीज़ आपने प्रमोट कर रहे हैं कि एक्सेसिव जो ट्रांसफ़र होती थी उनको रोका जाएगा ताकि टीचर और स्टूडेंट की कंपेटिबिलिटी वो प्रमोट की जाए, उसको और बढ़ाया जाए। और टेट जो है वो कंपलसरी रहेगा और इसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा और ये कंपलसरी ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया रहेगा। अंडर ग्रेजुएट डिग्री जो है, जिसे हम बैचलर डिग्री कहते हैं, विल बी अवेलेबल विद 3 and 4 year ऑप्शंस विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया। जो 3 साल की होगी वो नॉर्मल ग्रेजुएशन होगी और जो 4 साल की होगी वो रिसर्च ओरिएंटेड रहेगी, जैसे बीए ऑनर्स वगैरह में आप पहले होता था, और इसमें रिसर्च एक मेन फोकस रहेगा। साथ ही साथ मल्टीपल एग्जिट में, जैसे मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि 1 year एग्जिट करेंगे तो आप सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 year एग्जिट करेंगे तो डिप्लोमा कोर्स मिलेगा, 3 year एग्जिट करेंगे तो आपको मिलेगा डिग्री कोर्स मिल जाएगा, आपका डिग्री जो है वो आपको अवार्ड कर दी जाएगी अगर आप 3 साल पूरे कर लेते हैं अपने ग्रेजुएशन में। और एक और बात, जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स है उसको सेटअप में लाया गया है। एक बैंक ऑफ क्रेडिट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक डिजिटल लाइब्रेरी होगी। बाय चांस आप बीच में कहीं स्टडी छोड़ देते हैं, जो आपके क्रेडिट्स उस टाइम पे होंगे उनको वहाँ पे स्टोर कर दिया जाएगा और आप जब भी पढ़ाई कभी भी शुरू करना चाहेंगे तो आप वहाँ से आगे अपनी जो पढ़ाई है उसको कर सकते हैं। मास्टर डिग्री का जो प्रोग्राम होगा, ये पॉइंट नंबर 16 है, ये 2 साल का ही होगा, लेकिन जो दूसरा साल होगा, सेकेंड ईयर होगा, वो टोटली रिसर्च ओरिएंटेड रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने ऐड की है और इसी वजह से क्या किया है कि जो एम फिल है वो ख़त्म की गई है, वो मैं आगे बात करता हूँ अगले पॉइंट में। हाँ, जो 4 साल की बैचलर डिग्री जो की हुई है जिन्होंने पहले से ही, फॉर 4 year बैचलर डिग्री जो पीजी में, उनके लिए जो पीजी होगी वो 1 साल की भी हो सकती है अगर आप सेम सब्जेक्ट में आप आगे जो है स्टडी कर रहे हैं सेम सब्जेक्ट में। फिर जो है डिसकंटिन्यू क्यों की जा रही है, वो इसलिए कि जो आपकी पीजी में ऑलरेडी रिसर्च का ऑप्शन है तो आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हैं, इसलिए जो 17th point है हमारा ये डिसकंटिन्यू कर दी गई है क्या अपने एमफिल जो है। और जो अब 18th point है हमारा, बीएड विद 3 options रहेगी। अब क्या ऑप्शंस रहेंगे, 4 year इंटीग्रेटेड, 2 years बीएड एंड 1 year। 1 year उनके लिए जिन्होंने पहले से ही ना बैचलर डिग्री में उनके सेम सब्जेक्ट थे, एजुकेशन थी, तो जैसे बीए एजुकेशन होगी तो उनके लिए 1 साल में हो जाएगी। और वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट कर दिया जाएगा और इसी के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि बैगलेस पीरियड जो है इंट्रोड्यूस किया गया है एट मिडल स्टेज, तो इसको थोड़ा सा वोकेशन कोर्सेज को और पावर मिलेगी, थोड़ी स्ट्रेंथ मिलेगी यहाँ से। अब प्रोफेशनल एजुकेशन, मैंने जैसे पहले आपको बताया भी चुका हूँ कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को थोड़ा और बढ़ाया जाएगा, उनकी क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी और उनकी क्वालिटी भी बढ़ाई जाएगी ताकि जो है एग्रीकल्चर एक मेन फोकस रहे। और प्रोफेशनल एजुकेशन में आगे आपको मैं बता रहा हूँ कि लीगल जो सर्विसेज हैं, लीगल सर्विस एजुकेशन जो है वो उसको वर्ल्ड क्लास करने की बात की गई है ताकि टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस जो है वो हो सके। हेल्थ एजुकेशन में जैसे मैं पहले बता चुका हूँ आपके, एलोपैथी विल बी इनकॉर्पोरेटेड विद बेसिक्स ऑफ योगा, आयुष, यूनानी एंड नेचुरोपैथी एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब सेम सब के लिए अप्लीकेबल है। अगर आप आयुष में, आयुर्वेदा में आपका BAMS कर रहे हैं तो आपके लिए वहाँ पर एलोपैथी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। यूनानी कर रहे हैं तो भी आपको एलोपैथी, आयुष, नेचुरोपैथी, ये सारी जो स्ट्रीम्स बताई हैं सारी होना बहुत ज़रूरी है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी जो एजुकेशन है, एक सेटअप है, उसको प्रमोट करने का अच्छा तरीका है। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वरुण आर्या और आप देख रहे हैं द क्लासरूम्स। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना हो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने वैल्यूबल सजेशन जाके हमें ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग the classrooms.